तो आज मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ सर्वाइव करने को 100 डेज इन वाइल्ड अपडेट इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। माइनक्राफ्ट हार्डकोर एक ऐसा मोड जहाँ पर हमको एक ही लाइफ मिलता है। मेरी एक छोटी सी गलती और मेरी वर्ल्ड हमेशा हमेशा के लिए खत्म। सो ये बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। इस वीडियो में मैंने मेरे लिए कुछ गोल्स रखे हैं। फर्स्ट एंटर ड्रैगन को खत्म करना है, फिर एंट्री जाके इलेट्रा लाना है और फुल मैक्स एंचांटेड नेदरराइट के टूल्स एंड आर्मर्स बनाने हैं, फिर एक प्यारा सा घर बनाना है और टोटम ऑफ फंडाइंग हासिल करना है जिससे कि इस हार्डकोर वर्ल्ड में और एक लाइफ मिल जाए, और लास्ट में माइनक्राफ्ट का बॉस वार्डन को खत्म करना है। और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 80 आवर से भी ज्यादा मेहनत लगा है। अगर आप इस वीडियो पे एक लाइक कर दोगे तो मेरी मेहनत बच जाएगा, सो प्लीज कर दो। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो ऐसी वीडियोस के लिए। एनीवेज अब तुम एंजॉय करो इस वीडियो को। ओके, तो डे वन को मैं स्पॉन हो चुका था। मेरे सामने ये पेट था, फिर मैंने कुछ यहाँ से लकड़ियाँ तोड़ी, फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट किया एंड थोड़ा बहुत वुड की टूल्स क्राफ्ट किया जो कि एक बार यूज करने के बाद कोई यूज ही नहीं करता। क्या बात करता है यार? फिर मैं यहाँ पे कुछ एनिमल्स को मारता हूँ फूड के लिए, बिकॉज मेरे पास फूड नहीं था। फिर थोड़ा आगे जाने बाद मुझे दिखा कि जंगल में आग लग चुका है लावा की वजह से। फिर मैंने यहाँ पे एक बेड क्राफ्ट किया और पास में एक केव था, फिर मैंने माइनिंग करने चला गया और फाइनली मुझे यहाँ पे आयरन मिल चुका था। फिर मैंने यहाँ से सारे आयरन ले लिया और यहाँ से निकल ही रहा था, मुझे कोल दिखा, फिर मैंने ये कोल ले लिया। थोड़ा आगे जाने बाद मुझे और आयरन दिखा, फिर मैंने यहाँ से सारे आयरन ले लिए और निकल ही रहा था, रात हो चुका था, फिर मैं यहीं पे सो गया। डे टू को मैं एक फर्नेस क्राफ्ट करता हूँ और मिले हुए आयरन को मेल्ट करता हूँ। फिर मेरे घर के सामने ये केव था, फिर मैं उस केव में जाता हूँ और वहाँ पे थोड़ी देर आगे जाने बाद मुझे एक जुम्बी स्पॉनर दिख जाता है, फिर मैं उसके स्पॉनर तोड़ देता हूँ। और यहाँ की फर्स्ट चेस्ट में मुझे एक नेम टैग और एक म्यूजिक डिश मिला, और सेकेंड चेस्ट में गोल्डन एप्पल नेम टैग और एक ब्रेड मिला। फिर मैं घर आके एक बकेट क्राफ्ट करता हूँ और एक आयरन की चेस्ट प्लेट क्राफ्ट करता हूँ और थोड़ा बहुत आयरन की टूल्स क्राफ्ट करता हूँ। अरे सर क्या बात है। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा जगह क्लियर करके सीड्स कलेक्ट करता हूँ और एक बीट फार्म बना देता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे शुगर कैन दिखा, फिर मैंने उस शुगर कैन को रीप्लांट कर दिया। एनीवेज फिर मैं बहुत सारा चेस्ट क्राफ्ट करता हूँ और थोड़ा चीजों को ऑर्गेनाइज करता हूँ और मैं एक सिल्क क्राफ्ट करता हूँ। फिर मैं उसी केव में आ जाता हूँ माइनिंग के लिए और यहाँ पे मुझे थोड़े अच्छे खासे आयरन्स मिल रहा था, और अभी मेरे पास इनफ आयरन्स हो चुका था जिससे कि मैं सारे टूल्स एंड आर्मर्स बना पाऊँ। फिर मैं घर आके आयरन्स को मेल्ट किया और मेल्ट हुए आयरन से मैंने फुल आयरन की आर्मर्स क्राफ्ट किया, और अभी मैं ओपी लग रहा था। नहीं। फिर मैं व्हाइट वेल पे आके स्ट्रिप माइनिंग करता हूँ डायमंड्स के लिए, और बीच में मुझे ये प्यारा सा ब्लॉक मिला एमेथिस्ट, और मुझे डायमंड बहुत ही मुश्किल से मिल रहा था, और मैंने 2 आवर्स लगातार स्ट्रिप माइनिंग करने के बाद मुझे 44 डायमंड्स मिला था जो कि एनफ था टूल्स एंड आर्मर्स के लिए। एनीवेज फिर मैं लावा को ऑब्सिडियन में कन्वर्ट करता हूँ और एक डायमंड की पिकेक्स क्राफ्ट करता हूँ और ऑब्सिडियन कलेक्ट करता हूँ। फिर मैं घर आके व्हीट फार्म पे काम करता हूँ। एनीवेज फिर मैंने डायमंड की फुल आर्मर्स एंड टूल्स क्राफ्ट किया, और अभी मैं बहुत ही ओपी लग रहा था। क्या बात है। एनीवेज फिर मैं एक स्पाई ग्लास क्राफ्ट करता हूँ और ये बहुत ही ज्यादा ओपी था, ये देखो। क्या बात है सर। फिर मैं कुछ काउस को बंदी बना लेता हूँ। एनीवेज फिर मैं नेदर पोर्टल बनाता हूँ और मैं नेदर में जाता हूँ, और नेदर में मेरा स्पॉन बहुत ही घटिया हुआ था। फिर मैं नेदर फोर्ट्रेस की तलाश में निकल जाता हूँ। फिर मैं जाते जाते लावा में गिर जाता हूँ और यहाँ पे मेरी फट चुका था। थैंक गॉड मैं बाल बाल बच जाता हूँ। फिर थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद मुझे ये पिगलिन मिल जाता है, बट पीछे से घास मुझे बुला रहा था। अच्छा। फिर मैं थोड़ा घास के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, फिर वो बोर हो जाती है और चली जाती है, और मैं पिगलिन से ट्रेड करता हूँ। अच्छा। फिर ये पिगलिन ने मुझे 2 एंडरपल्स दिए और बाकी सब टट्टी दिया। फिर रास्ते में मुझे ग्रीन पॉटल मिला जहाँ पर अच्छा खासा लूट था। फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद मुझे फाइनली एक नेदर फोर्ट्रेस मिल चुका था। एनीवेज फिर मैं नेदर फोर्ट्रेस की लूट चेकआउट की और यहाँ पे मुझे अच्छे खासे लूट मिल रहा था। फिर एक विदर स्केलेटन मेरे पीछे पड़ गया था, और ये देखो जादू। असंभव। असंभव।
फिर मैं नेदरवर्ड्स वाले रूम में आ जाता हूँ और यहाँ से सारे नेदरवर्ड्स ले लेता हूँ। और हाँ, मैं सोल सैंड को भी नहीं छोड़ता। फिर मैं एक ब्लेज को मारता हूँ, बट उसने ब्लेज रोड ड्रॉप नहीं किया। एनीवेज फिर मैं यहाँ पे बहुत सारे ब्लेजेस को मारता हूँ ब्लेज रॉड के लिए। और अभी मेरे पास 17 ब्लेज रॉड हो चुका था, जो कि एनफ था। फिर मैं यहाँ से निकल गया। फिर मैं एक वॉक फॉरेस्ट में आ जाता हूँ एंडोपल्स के लिए। फिर मैं बोट की मदद से बहुत इजीली एंडोमैंस को मारता हूँ। फिर मैं ओवरऑल में आके विलेज की तलाश में निकल जाता हूँ और फाइनली मुझे एक विलेज मिल चुका है। फिर मैं इस विलेज से कुछ हेवल चोरी कर लेता हूँ। और इसी विलेज में एक लाइब्रेरियन था, फिर मैंने इस लाइब्रेरियन के सारे बुकशेल्फ और लेक्टर्न ले लिया। और अभी रात हो चुका था। फिर मैंने इसी विलेज के एक विलेजर के पास में सो गया। फिर घर आते आते मुझे एक रूइन पॉटल मिला और इसके अंदर से मुझे थोड़ी अच्छी खासी लूट मिला। और अभी मेरा शुगरकेन बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका था। फिर मैं शुगरकेन को रीप्लांट कर देता हूँ। फिर मैं घर आके एन्चेंटिंग सेटअप बनाता हूँ। और अभी मेरे पास इनफ बुकशेल्फ नहीं था। एनीवेज फिर मैं मेरे काउस को ब्रीड करता हूँ, वो खुश हो जाएंगे। एनीवेज फिर मैं एन्चेंटिंग करता हूँ और मेरे पास इतना बुकशेल्फ और लेवल्स नहीं था। फिर मुझे जो मिल रहा था मैं ले रहा था, कुछ नहीं तो कुछ ही सही। तभी ये कौवा कहाँ से आ गया मुझे पता नहीं, प्लेजर। फिर मैं इस कौवा को मारता हूँ और मुझे बैडमैन का इफेक्ट मिल चुका था। बट मुझे अभी रेड करना नहीं था, मुझे अभी एंडर ड्रैगन को ख़त्म करना था। फिर डे 33 को मैं निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए और एंडर ड्रैगन को ख़त्म करने के लिए। और मुझे फाइनली मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था। और मैं यहाँ पे थोड़ा लूट चेकआउट करता हूँ। एनीवेज फिर मैं लाइब्रेरी में आ जाता हूँ और यहाँ पे मुझे स्माइट 4 और अक्वा फिनिट का एक बुक मिला। और एक चीज़ से मुझे एक सैपनेस 4 और प्रोटेक्शन 4 का बुक मिला। फिर मैं पोर्टल वाले रूम में आ जाता हूँ और एक सिल्वर फिश का स्पॉनर तोड़ देता हूँ। फिर मैं सारे ई ऑफ एंडर लगा देता हूँ और पोर्टल एक्टिवेट कर देता हूँ। और अभी मैं एंडवर्ल्ड में आ चुका था। फिर मैं यहाँ पे एंडर पल्स फेंक के टेलीपोर्ट होता हूँ। फिर मैं एंडरमैन के सारे क्रिस्टल तोड़ता हूँ। फिर मैं एंडर ड्रैगन को बजाना स्टार्ट कर देता हूँ और ये बहुत सारा लड्डू फेंक रहा था। और ये पीछे से मुझे एंडरमैन बहुत परेशान कर रहे थे, पता नहीं मैंने उनका क्या बिगाड़ दिया। फिर मैं इजीली एंडर ड्रैगन को मारता हूँ और ये एंडर ड्रैगन ख़त्म। और अभी एंडर ड्रैगन ख़त्म हो चुका था और मुझे भर भर के एक्सपी मिल रहा था। एनीवेज फिर मैं यहाँ पे थोड़ा एंडरमैन्स को मारता हूँ एंडरपल्स के लिए, बिकॉज एंडरपल्स से ट्रैवल करना इजी है। फिर मैं एंडरपल्स फेंक के गेटवे पर आ जाता हूँ और एनशीटी ढूंढने के काम में लग जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पे 2000 ब्लॉक्स ट्रैवल करता हूँ, बट मुझे एक भी एनशीटी नहीं मिला था। फिर मैं डिप्रेशन में ओवरऑल में आ जाता हूँ और बहुत सारे वुड कलेक्ट करता हूँ विलेजर्स से ट्रेड करने के लिए। फिर मैं एक विलेज में जाता हूँ और विलेजर्स को किडनैप करके स्टिक्स ट्रेड करता हूँ। और तुम लोग देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे ओक लॉक्स हैं, जिससे कि मैं बहुत सारे इमरल्ड ट्रेड कर सकता हूँ। एनीवेज फिर इस विलेज में इतने विलेजर्स नहीं थे। फिर मैं दूसरे विलेज की तलाश में निकल जाता हूँ और फाइनली थोड़ी देर बाद मुझे एक विलेज मिल जाता है। फिर मैं यहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स को फ्लेचर का जॉब दे के स्टिक्स ट्रेड करता हूँ। और अभी मेरे पास थोड़े अच्छे खासे एमरल्ड्स हो चुका था। फिर मैं बहुत सारे विलेजर्स को लाइब्रेरियन का जॉब देता हूँ। और ये बहुत ही बड़ी स्टोरी है, मैं तुमको और किसी दिन बताऊंगा। मैं तुमको सिंपल में बता देता हूँ मुझे क्या क्या बुक्स मिला। फिर विलेजर्स मुझे थ्रोन्स 2, मेंडिंग, लूटिंग 3 जैसी उपयोग पे एन्चेंटमेंट्स बुक दिया। फिर मैं घर आके एन्चेंटिंग करता हूँ। एनीवेज फिर मैं एंड्रॉइड में आ जाता हूँ और मुझे एक एनशिटी मिल चुका था, बट इसमें एनशिप नहीं था। फिर मैं यहाँ पे ये सल्कर को मारता हूँ सल्कर सेल्स के लिए। और यहाँ पे मुझे थोड़े अच्छे खासे लूट मिल रहा था। फिर थोड़ा ट्रैवल करने के बाद मुझे फाइनली एक एनशिटी मिल जाता है जहाँ पर एनशिप था। फिर मैं यहाँ पे बहुत सारे सल्कर को मारता हूँ सल्कर सेल्स के लिए। एनीवेज फिर मैं एनशिप पे एंडोपल्स थ्रो करता हूँ। और अभी मैं आ चुका था एनशिप पर और ये सल्कर मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। फिर मैं ये सस्ता सल्कर को मारता हूँ और यहाँ पे मुझे थोड़े अच्छे खासे लूट मिल रहा था। फिर मैं इलाइट्रा लेता हूँ। क्या बात है सर,
फिर मैं ओवरऑल में आके सलकर बॉक्स क्राफ्ट करता हूँ और तुम लोग देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे बुक्स है बट इसको लगाने के लिए मेरे पास इतना एक्सपी नहीं है। फिर मैं नेदर में आके एक छोटा सा एक्सपी फार्म बनाता हूँ और ये घास मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। फिर मैं एक ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन को मारता हूँ और उनकी फुल सेना आ जाता है। फिर मैं यहाँ पे इजीली इनको मार देता था और इस फार्म से मुझे बहुत सारा गोल्ड भी मिल रहा था और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ अच्छे लेवल्स के लिए। और अभी मेरे पास ओपी सा टूल्स एंड आर्मर्स हो चुका था इंक्लूडिंग मेंडिंग और थ्रोन्स। फिर मैं फायर रेजिस्टेंस का पोशन बनाता हूँ और ये सभी टाइम आ चुका है एंचेंट डेब्रिस फाइंड करने का। फिर मैं नेदर में Y14 को जाके डिग करता हूँ और ये बेड प्लेस कर देता हूँ और बेड को लीड करता हूँ और यहाँ पे मुझे घंटा कुछ नहीं मिला। फिर मैं और एक बेड फोड़ता हूँ और इस बार मेरा पोपट बन चुका था। फिर मैं थर्ड बेड को लीड करता हूँ और इस बार मुझे मिल चुका था 2 एंचेंट डेब्रिस। वो यहाँ पे और एक है। फिर यहाँ मुझे बहुत टाइम लग गया 40 एंचेंट डेब्रिस कलेक्ट करने को। फिर मैं ओवरऑल में आके स्मिथिंग टेबल क्राफ्ट करता हूँ और एंचेंट डेब्रिस को मेल्ट करता हूँ एंड नेदरराइट्स क्राफ्ट से मैं नेदरराइट के इंगट क्राफ्ट करता हूँ। फिर एक नेदरराइट का ब्लॉक क्राफ्ट करता हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रहा था। एनीवेज फिर मेरे सारे टूल्स एंड आर्मर्स को नेदरराइट में अपग्रेड करता हूँ और ये सभी टाइम आ चुका है अपना घर बिल्ड करने का। फिर मैं घर बिल्ड करने के काम में लग जाता हूँ। और अभी मेरा घर बन के रेडी हो चुका था और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। इनवेस्ट फिर मैं एक पिलेजर आउटपोस्ट की तलाश में निकल जाता हूँ क्योंकि अभी मुझे रेड करना था। फिर बहुत ज्यादा ट्रैवल करने के बाद मुझे फाइनल एक पिलेजर आउटपोस्ट मिल जाता है और मैं इनका कैप्टन को मार देता हूँ और अभी मुझे बैडमैन इफेक्ट मिल चुका है। फिर मैं मेरे पास वाले विलेज में जाता हूँ और ये सभी रेड स्टार्ट हो चुका था। और ये फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका था। फिर मैं ये विलेजर को बंदे बना लिया इनकी सेफ्टी के लिए। फिर और एक विलेजर कहीं पे छुप जाता है। ओ ये रहा। वो इस बार इवोकर आए हैं। मैं पहले इवोकर को ही मार देता हूँ बिकॉज वो बहुत ही खतरनाक होते हैं वेक्स को स्पॉन करके और ये वेक्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। और अभी रात हो चुका था और मैं रात में रेड करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था बिकॉज ज़ॉम्बी वगैरह बहुत परेशान करेंगे। वो हमें मिल चुका है अपना फर्स्ट टोटम। और ये फाइनल राउंड है और इस पर बहुत सारे इवोकर आए हैं। और ये काला सांड मेरे पीछे पड़ गया था।
और ये रहा लास्ट विच। और अभी मैं बन चुका हूँ हीरो ऑफ द विलेज और मुझे 4 टोटम ऑफ फंडाइंग मिला था। और ये सभी टाइम आ चुका है वार्डन को खत्म करने का। फिर मैं घर आके नाइट विजन के पोशन बनाता हूँ इन्वेस्ट। फिर मैं फायर रॉकेट्स क्राफ्ट करता हूँ बिकॉज मैंने मेरा इलेक्ट्रा उड़ाया नहीं था। और अभी मैं निकल चुका हूँ डीप डार्क की खोज में। फिर मैं स्ट्रिप डिग करके जा रहा था और मुझे पता नहीं था कि मैं डीप डार्क बायोम में आ चुका था और मेरी इस साउंड की वजह से वार्डन स्पॉन हो चुका था। और ये रहा वार्डन। फिर मैं इसको इजीली मार देता हूँ और मैं वार्डन के साथ 1v1 करना चाहता था बट ये जगह सही नहीं थे, इतना यहाँ पे स्पेस नहीं थे। और मैं ये सेंसर तोड़ना चाहता था बिकॉज इसी की वजह से वार्डन स्पॉन हो रहे थे। फिर मैं क्राउच करके जा रहा था बट वो मेरा साउंड डिटेक्ट कर दिया और एक वार्डन स्पॉन हो गया और ये बहुत ही खतरनाक था। फिर मैं इस वार्डन को इजीली ऐसे छुप के मार देता हूँ। फिर मैं ये सेंसर तोड़ने की बहुत कोशिश करता हूँ बट तभी फिर और एक वार्डन स्पॉन हो चुका था। फिर मैंने ये सेंसर तोड़ने के लिए वार्डन को ब्लॉक कर दिया और मैं ये सेंसर तोड़ दिया और इस वाले वार्डन को इजीली मार दिया। और अभी मैं आ चुका था सही जगह पे जहाँ पे मुझे वार्डन से 1v1 करना था। फिर मैं ये सेंसर के पास जाके थोड़ा साउंड करता हूँ और अभी वार्डन स्पॉन हो चुका था। और इस जगह पे मेरा फट चुका था। और यह मैंने वार्डन को खत्म कर दिया। और ये था day 100 और इसी पॉइंट पे मैंने अपना सारा गोल्स कंप्लीट कर दिया था। आई होप कि तुम लोगों के वाली वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मेरी 2 weeks की मेहनत बच जाएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।